हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। तो तुम में से जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को तो पता है कि यार अपन ग्रैनी के तो बहुत बड़े फैन हैं। तो आज की वीडियो में भी अपन ग्रैनी ही खेलेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो ट्विस्ट ये है कि आज की वीडियो में हमारे पीछे ग्रैनी नहीं लगेगी, बल्कि हम खुद ही ग्रैनी होंगे। जी हाँ, तो आज जो हम गेम खेलने वाले हैं, इसका नाम है प्ले फॉर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। और तुम लोग इस गेम को ग्रैनी 4 भी कह सकते हो। तो चलो फिर इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और इस गेम का फायदा ये है कि इस गेम के अंदर हम चाहे तो ग्रैनी बन सकते हैं और चाहे तो ग्रैंडपा बन सकते हैं। और ये ग्रैनी 2 का घर है। तो चलो फिर गेम को शुरू करते हैं। तो यार गाइस, गेम स्टार्ट होते ही हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, चाहे तो हम ग्रैनी बन सकते हैं और चाहे तो हम ग्रैंडपा बन सकते हैं। बट भाई, मैं तो ग्रैनी ही बनूंगा। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। क्योंकि भाई ग्रैनी का तो लेवल ही अलग है ना। तो यार तुम में से जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी नाइट 1 शुरू हो चुकी है और आई थिंक यार हमारे को यहाँ पे शायद 4 या 5 नाइटें मिलेंगी। क्योंकि हम ग्रैनी है तो हमें डरने की तो बात है ही नहीं, हमें उस बंदे को ढूंढना है। और वैसे भाई वो बंदा सिर्फ यहाँ पर घूमने फिरने नहीं आया है, वो एस्केप भी कर सकता है। तो इससे पहले कि वो इस घर से एस्केप करे, हमें उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको इस बेसबॉल बैट से मारेंगे ग्रैनी के। तो चलो उसको नीचे चल के ढूंढते हैं। तो यार मैं नीचे आ चुका हूँ, पता नहीं कहाँ है, इसको देखते हैं बंदा कौन सा है, मैंने भी नहीं देखा। और यार ये जो घर है ना, ये ग्रैनी 2 का घर है। तो अपन लोगों ने अभी तक ग्रैनी 2 नहीं खेला है, मुझे पता है, बट तुम लोग टेंशन मत लो, बहुत जल्द तुम लोगों को ग्रैनी 2 भी देखने को मिलने वाला है। ये हुई ना बात। ग्रैनी 2 क्या, बल्कि ग्रैनी 3 भी खेलेंगे। और अगर ग्रैनी 4 आ गया तो वो भी खेल लेंगे, बल्कि इसका नाम भी तो यार ग्रैनी 4 ही है। ऑफिशियल ग्रैनी 4 तो पता नहीं कब आएगा। ओए ये देखो, ये रहा। अबे इसके पीछे भागना है, ऊपर कहाँ भाग रहा है, अब तू गया, नजर आ गई, अब तू गया। अच्छे से जवान था लोंडा, इसको पकड़ते हैं यहाँ पे अपन। चल मेरा भाई, तो हमने इसको एक बार तो मार दिया, बट यार ये क्या, ये तो गायब हो गया बिल्कुल मेरी एक्स की तरह। टूटे मकान एक बार गिर गए, वैसे बनते कहाँ है। ओ मतलब क्या चक्कर था यार, हमने एक दफा तो उसको मार भी दिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, बंदा गायब हो गया। तो चलो यार इसको दोबारा ढूंढते हैं, पता नहीं। ओ ये रहा। तो चलो जल्दी से पकड़ते हैं यार इसको। भाई जल्दी भागो यार, कहाँ पर है। एक तो ग्रैनी की स्पीड बहुत स्लो है यार, इस रूम में भी नहीं है, आई थिंक वो नीचे वाले पोर्शन में जा चुका है। तो चलो जल्दी से अपन भी नीचे चलते हैं। एक तो यार ये ग्रैनी का जो घर है ना, ये भी तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुझे पूरा घर याद है, क्योंकि मैं ग्रैनी 2 पहले खेल चुका हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। हाँ पूछा नहीं था भाई। पर यार ये साला कहाँ भाग गया। ओ ये रहा, एक मिनट। ओए अब तू नहीं भाग सकता भाई, एक दफा जब ये नजर आ जाता है ना फिर ये फंस गया। ओ खुद रुक गया भाई, इसकी हरकतें देखो जरा। साला हमारे सामने चोड़ा बन रहा है, ग्रैनी के सामने चोड़ा। अबे भाग भाग नहीं रहा, रुक गया है। तो यार गाइस हम इसको 2 दफा तो मार चुके हैं, बट इसको कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं हमें इसको कितनी दफा और मारना पड़ेगा। तो चलो इसको जल्दी से पीछा करते हैं यार, मारते हैं। और भाई साहब ये तो वॉशरूम में जा रहा है, अगर ये वॉशरूम में जा चुका है तो भाई अब तो ये फंस चुका है, क्योंकि वहां से भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये खड़ा हुआ तेने आराम से, हट यहाँ से साल। ओश इस दफा ये गिर गया भाई, इस दफा ये गायब नहीं हुआ बल्कि ये गिर गया, और हमारी नाइट 2 शुरू हो चुकी है। इसका मतलब समझे अभिजीत? नहीं। तो भाई जान इसका मतलब ये है कि हमें इसको 3 दफा मारना पड़ेगा, अगर हम 3 दफा मारेंगे तो इसकी 1 नाइट चले जाएगी। और जहाँ तक मुझे याद है यार, ग्रैनी के अंदर हमें 5 नाइट्स मिलती थी, तो आई थिंक हमारे को इसकी भी 5 नाइट्स खत्म करनी पड़ेंगी। यानी कि हमें इसको कितनी दफा मारना है भाई? जा पूछ के। 3 × 5 = 15 दफा हमें इसको मारना पड़ेगा, और अभी तक हम सिर्फ इसे 3 दफा ही मार पाए, यानी कि 1 ही नाइट खत्म करी है। और ये हमारे सामने आ गया, तो साले रुक जा यार, ये भाग गया यार। इतनी देर में हमारी जो बेसबॉल बैट हम चलाते हैं ना, तो ये भाग जाता है। बट मैंने भी ट्रिक लगाई है, ये वहां से आ रहा था, अपन यहाँ से चलते हैं। ओए बड़ा हरामी है साला, ये भी रुक चुका है मेरे ख्याल में। वो देखो खड़ा हुआ इतने आराम से, फिर भाग गया यार, ये बहुत तेज भागता है, और हमारी ग्रैनी बहुत स्लो चलती है। शायद अगर हमने ग्रैंडपा लिए होते तो वो भी तेज चल लेते। अब पता नहीं नीचे गया है या ऊपर गया है, अब बताओ कहाँ जाए। यहाँ पे इतने सारे रास्ते हैं, चलो नीचे चल के चेक करते हैं। तो चलो यार नीचे तो मैं आ गया हूँ, बट यहाँ भी बहुत सारे रास्ते हैं, इधर चेक कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पर हो। और भाई यहीं पर ही खड़ा हुआ इतने आराम से, हट साले यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, निकल। इतने आराम से खड़ा हुआ जैसे मैं तो आऊंगा ही नहीं ना। और चलो भाई इसके पीछे जल्दी से भागते हैं, हमने एक दफा इसको मार दिया है ना, एक दफा यानी कि सेकंड नाइट में, जो पुरानी नाइट है उसको भूल जाओ, ऊपर भागा है। तो चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और देखो जब तक नजरें इसके ऊपर है ना, जब तक हम इसको पकड़ सकते हैं। एक दफा नजरों से गायब होता तो फिर साला भाग जाता है। अभी तक तो मेरे हाथों के अंदर ये, चल भाई ये
एक तो ये रुक भी पता नहीं क्यों जाता है। चल साले यार, इसको लग ही नहीं रहा मेरा बेसबॉल बैट, एक दफा और ट्राई करते हैं। अब लग गया क्योंकि ये गायब हो चुका है। अरे ये पड़ा हुआ, तो यार इसका मतलब है उसको वाला बैट भी लग गया था जो हम समझ रहे थे कि नहीं लगा है। तो भाई अच्छी बात है यार, हमें क्या दो लगे तीन लगे। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। हमें तो भाई बस गेम कंप्लीट करना है। अब मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ और क्या ही मजेदार काम होगा ना कि अगर हम इस गेम को जीत लें, यानी कि एस्केप कर लें। बल्कि एस्केप हम कब करेंगे, हमें तो एस्केप को रोकना है। तो भाई उसको ढूंढते हैं, वो कहाँ है। यहाँ भाई नाइट 3 स्टार्ट हो चुकी है और आई थिंक उसने यार काफी सारा सामान जमा कर लिया होगा अब तक। तो इससे पहले कि वो एस्केप करके भाग जाए, अबे ये क्या हुआ भाई, ये गेम का ग्लिच था। वैसे यार इस गेम के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो इसमें एड्स ना बहुत दफा आते हैं, तुम लोगों को बहुत तंग करेंगे, चाहे तुम्हारा नेट खुला हुआ हो, इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो या ना हो, बहुत ज्यादा तंग करते हैं भाई एड। सह लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने तो यहाँ पे एडिटिंग के दौरान सारे एड्स काट दूंगा ताकि तुम लोगों को देखने में कोई तकलीफ ना हो, बट यार एड्स के अंदर ना ये गेम मेरी नजर में बिल्कुल ही बेकार गेम है एड्स की वजह से। वैसे गेम बहुत बेहतरीन है, अगर तो तुम खेल सकते हो एड्स के साथ तो फिर जरूर ट्राई करना, ये गेम बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो भाई बहुत देर हो गई यार, ये बावला में नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। ऊपर वाले पोर्शन में मैं आ चुका हूँ, नीचे वाला पोर्शन में पूरा चेक करके आ चुका हूँ, पता नहीं साला कहाँ गायब हो गया। अब जल्दी से ढूंढना है भाई, कहीं पता चले हेलीकॉप्टर एस्केप ना कर जाए, क्योंकि वो रहा सामने। अबे भाई ये क्या कर रहा है यार, इसने मुझे गोली मार दी। वो बेहतरीन यार, हम भी तो शॉटगन बना सकते हैं ना ग्रैनी के अंदर। तो भाई इसने भी शॉटगन बनाई और हमें मार दी, बट अच्छी बात ये है कि हम मरे नहीं, मतलब थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो हुई है। तो साले बदला तो मैं उससे जरूर लूंगा, कह के लेंगे उसके। बदला तो हमने ले लिया है और दोबारा रूम में जा चुका है, अभी तुझे मारता हूँ एक और दफा, रुक जा सारे। ओ यार इसने शॉटगन, भाई ये बार बार शॉटगन निकालेगा। अब तो ये दोबारा कोने में आ गया, ये इसने अपनी गलती कर ली है। साले कोना पकड़ेगा तो फिर तो तू मरेगा ही मरेगा। निकल यहाँ से, निकल। तो भाई साहब बेहतरीन, यहाँ पर हमारी नाइट 4 स्टार्ट हो गई है और तुम्हारा भाई तो प्रो हो गया है। भाई तुम्हारे भाई की जो खासियत है ना वो यही है, अपन जो गेम खेलते हैं ना अपन उसमें हो जाते हैं एकदम VIP वाले प्रो। चुप कर बे कुत्ते। तो चलो जल्दी से इसको ढूंढते हैं और इस गेम को खत्म करते हैं। आई थिंक हमें इसको दो दफा भी और मारना है यार, नाइट 4 और नाइट 5। वैसे यार आपस की बात है, जब से इसको शॉटगन मिली है ना तो इसने मेरी नाक में दम कर दिया भाई, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है यार ये, काश इसकी गोलियां खत्म हो जाए। ओ ये रहा, देखो याद करा और आ गया, साले नाम लिया और शैतान हाजिर। तू दिख गया, अब तू नहीं बच सकता मेरी जान के टोटे, अब मत भाग तू बेटा। कहाँ चला गया ये हरामी, इस रूम में भी नहीं है, बहुत तंग करता है यार ये। वैसे यार मुझे आज एहसास हुआ कि ग्रैनी को अपन लोग कितना तंग करते थे भाई, किस तरह हैंडल करती थी वो ये चीज। ओए साले सामने से निकल रहा है, रुक जा, अटक गया भाई, बड़ा बेहतरीन काम हो गया, ये खुद ब खुद ही अटक गया। देखो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, और यहाँ पर भी ये वॉशरूम में आ चुका है, कोशिश करते हैं इसको यहीं टपका दें एक दफा और। तो भाई मैंने इसको दो दफा मार दिया, हम इसको एक दफा और मारेंगे और ये अटक चुका है। भाई देखो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, गेम का ग्लिच है साले के मुंह पे दिया हमने, और यहाँ पर डे 4 भी खत्म हो चुका है, गेम बहुत बुरी तरीके से अटक चुका है, मुझे नहीं पता क्यों, बट नाइट 5 हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आई थिंक ये लास्ट नाइट होगी। तो भाई जल्दी से इसको ढूंढते हैं साले को, ऐसा ना हो कि कहीं आखिरी दिन ही ये साला भाग जाए। और भाई शॉर्ट गन भी तो है इसके पास, तो यार कुछ भी हो सकता है। गेम खेलने में मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, पूरी वही फीलिंग आ रही है ग्रैनी वाली। और क्योंकि अब लास्ट डे हो तो भाई मेरी कुछ ज्यादा ही फट रही है, क्योंकि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ये भाग गया तो फिर यार क्या फायदा। बाकी यार गाइस इस गेम के बारे में अगर बात करें तो भाई गेम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इसके डाउनलोड भी तुम लोग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है और ग्रैनी 4 के नाम से है। तो भाई ग्रैनी 1 हमने खेला था और डायरेक्ट ग्रैनी 4 खेला है, देख रहे हो किसी भाई पकड़ में आ ही नहीं रहा ना। फिर भाई गेम्स के मामले में आपका भाई पकड़ा नहीं जाता, और देख रहे हो ये आ गया, लेकिन इसको हम पकड़ेंगे। ओ भाई शॉटगन, ठीक है यार देखो इसने भी हमें मारा और हमने भी इसको मारा, ठीक है ना। तो भाई हिसाब बराबर चल रहा है, अभी 1-1 से गोल चल रहा है, अर्जेंटीना वर्सेस रोनाल्डो चल रहा है, बल्कि नहीं यार रोनाल्डो वर्सेस मैसी चल रहा है भाई। एक इसने कराया तो एक हमने भी इसको करा दिया, अब इसको ढूंढते हैं। और बेफिक्र हो तुम्हारा भाई जीतेगा, इसको अपन नहीं जीतने देंगे, और वैसे भी अपन कौन सा मरते हैं, अपनी तो खाली स्पीड ही स्लो होती है यार। और यार अपन ये क्या फुटबॉल को बीच में लेकर आ गए गेम के। खैर बहरहाल यार जल्दी से अपन इसको ढूंढते हैं, जल्दी से ये मिले ताकि यार अपना नाइट गेम खत्म हो ना। और भाई ये शिट यार, लेकिन बेहतरीन हो गया भाई, दोबारा वही सीन हुआ है, इसने भी हमें कराया तो हमने भी इसको कराया, समझ रहे हो। हल्के में नहीं आ रहे अपन, हल्के में तो फिर आना ही नहीं है ना भाई साहब, यहाँ बात 2-2 से बराबर हो चुकी है। तो यार अपन लोग बात करते थे इस गेम के रिव्यू के बारे में और अपन भूल गए। तो भाई मैं तो तुम लोगों को एक ही मशवरा दूंगा कि यार अगर तुम ग्रैनी के लवर हो ना, और तुम लोगों ने ग्रैनी बहुत ज्यादा खेला है, मतलब मैंने क्या बोल रहा हूँ, ग्रैनी का लवर कौन ही होगा, ग्रैनी गेम के लवर हो, तुम्हें ग्रैनी गेम खेलने में बहुत मजा आता है, और तुम अगर प्रो हो और ग्रैनी खेल के थक गए हो, तो यार फिर इस गेम को तुम लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम ग्रैनी भी बन सकते हो और ग्रैंडपा भी बन सकते हो, एक ही गेम में दोनों के मजे ले सकते हो।
मैं तुम्हारे सामने इस गेम को इतनी देर से खेल रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट हाँ इस गेम में एक मसला है कि एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलो यार ऊपर चलते हैं। ओ भाई सामने खड़ा हुआ हमारा इंतज़ार कर रहा है क्या ये साले हरामी? ओ भाई मार दिया तूने आराम से, मैं समझा था ये शॉटगन निकालेगा बट इसने नहीं निकाली, शायद इसकी सारी की सारी एमोज खत्म हो चुकी होंगी। और इसी के साथ भाई तुम लोग देख रहे हो तुम्हारे भाई ने ये गेम खत्म कर लिया है, अपन जीत चुके हैं फर्स्ट ट्राई के अंदर ही, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपन ने ये गेम खत्म करा है। तो मानते हो ना फिर भाई को प्रो? नहीं। और ये देखो भाई अपन यहाँ पे ग्रैंडपा बन चुके हैं, ये गेम दोबारा से फिर रिस्टार्ट हो चुका है बट मैं अभी नहीं खेलने वाला। अगर तुम लोग इस पे लाइक करोगे, कमेंट करोगे और बोलोगे कि भाई ग्रैंडपा बन के भी खेलो तो फिर जरूर खेलेंगे यार, क्यों नहीं खेलेंगे। बाकी यार गाइस ये ग्रैंडपा के हाथ में अजीब सी चीज क्या पकड़ा दी यार मुझे नहीं पता। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पर ही फुल स्टॉप लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो फिर कर ही दो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लौंडे डिफॉल्टर भागेंगे। हम उल्लू हैं रातें भी जागेंगे, हम वायस हैं बेटा हम वायस हैं।